सीबीआई का आज मुंबई में पांचवा दिन था। काफी केस को आगे बढ़ा दिया गया है, काफी लोगों से पूछताछ हो गई है। ऐसे में एक और शॉकिंग खबर सामने आई है, जिससे पता चला है कि कूपर हॉस्पिटल किस तरह से सीबीआई ऑफिसर्स के साथ में स्मार्टली हैंडल कर रहा है और किस तरह से सीबीआई ऑफिसर्स को कूपर हॉस्पिटल में जाने ही नहीं दिया गया, कहा कि पहले अपॉइंटमेंट लेके आओ। जी हाँ, इस बात का खुलासा किया है कूपर हॉस्पिटल के एक सिक्योरिटी गार्ड ने। हालांकि ये सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही तो सामने से मीडिया से बात नहीं कर पा रहा था, स्टिंग ऑपरेशन किया गया इस सिक्योरिटी गार्ड का, एक स्पाई कैम लगाया गया और फिर सिक्योरिटी गार्ड से बात करने की कोशिश की गई तो बहुत ही शॉकिंग रिविलेशंस इस सिक्योरिटी गार्ड ने कहे। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि सीबीआई ऑफिसर्स कूपर हॉस्पिटल आए थे लेकिन उनको डॉक्टर्स से नहीं मिलने दिया गया और ना ही जो जानकारी वो चाहते थे वो इन्हें मिल पाई, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आए थे। कूपर हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई के जो ऑफिसर्स है वो पहले अपॉइंटमेंट लेके आए और फिर मिले। 26 और 27 तारीख के अपॉइंटमेंट्स सीबीआई की टीम को दिए गए हैं कूपर हॉस्पिटल की तरफ से। कूपर हॉस्पिटल के सिक्योरिटीज को ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि मीडिया से बिल्कुल भी बात नहीं करें। सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात का भी खुलासा किया है कि मीडिया से बात करने पर उन्हें कहा गया है कि उनकी जॉब भी जा सकती है। आपको बता दें कि एक और बहुत अहम खुलासा इस सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। उन्होंने कहा है कि जिन डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी की थी सुशांत सिंह राजपूत की, उन डॉक्टर्स को छुट्टी पर भेज दिया गया है। जो 5 डॉक्टर्स थे उनमें से एक भी डॉक्टर इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं है। बहुत बड़ा खुलासा कूपर हॉस्पिटल की तरफ से हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड ने यह खुलासा किया है। कूपर हॉस्पिटल पर वैसे ही बहुत सवाल खड़े हो रहे थे और अब इस तरह से नॉन कोऑपरेशन और अपॉइंटमेंट वाली बात और डॉक्टर्स को छुट्टी कर देने वाली बात, ये बहुत गहराता जा रहा है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में बहुत सारी गलतियां हैं। अब सीबीआई की टीम जो है अपॉइंटमेंट मिलने के बाद कूपर हॉस्पिटल के लोगों को ग्रिल करेगी।